Hey guys, welcome to Cinematic 27 and my name is Rembo Khan and आज मैं बताने वाला हूँ कि how to create dolly zoom effect. तो dolly zoom effect कैसे create किया जाए, तो ये सीखने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे एंड बिल्कुल भी स्किप मत करें. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे छोड़े हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे. वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, आपको सबसे पहले एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगा. तो फ़ोन अगर आपके पास गिम्बल है तो और भी अच्छा है. तो मेरे पास गिम्बल नहीं है, मेरे पास फ़ोन है जिसमें कि स्टेबलाइजेशन है तो गिम्बल का ज़रूरत नहीं है. तो कैसे शूट किया जाए वो आपको दिखाता हूँ. तो आपको सबसे पहले मॉडल को जो है बीच में रखना है एंड उस पर क्लिक करना है एंड फोकस लॉक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि डॉली जूम इफेक्ट पर बाद में जूम करना पड़ेगा. तो जूम करने के बाद वो जो है कि ब्लर ही आएगा, तो लॉक मत कीजिए. तो देखिए कैसे किया जाता है. स्टार्ट कीजिए, मेरे पीछे आइए. तो हे गाइस, आपको पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है जो कि यहाँ पे है. पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद अभी ऐसा इंटरफेस आएगा तुम्हारे सामने. न्यू प्रोजेक्ट पर ओपन क्लिक करना है. न्यू प्रोजेक्ट एंड ये 16:9 यहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आपको आपका वीडियो जहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करना है, जो कि मेरा वीडियो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा. तो ठीक है, कर दिया. एंड जो क्लिप है वो लूँगा मैं. क्लिप मेरा ये वाला क्लिप है तो क्लिप पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ ऐड पर, ठीक है, ऐड पर क्लिक करूँगा. प्लस पर क्लिक करूँगा. यूज़ ओरिजिनल, क्योंकि 4K पर ही होना चाहिए वरना नहीं होगा. एंड क्लिप पर क्लिक करने के बाद आपको वापस क्लिप पर क्लिक करना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से क्लिप पर क्लिक करना है. एंड ये जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है, ठीक है, पेंसिल के बटन पर. एंड उसके बाद स्क्रॉल कीजिए. करने के बाद देखिए आपको पेन एंड जूम नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली. और कस्टम पर क्लिक करना है, ठीक है, कस्टम मोशन पर क्लिक करना है एंड आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा. एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो राइट साइड पर है इस पर क्लिक करना है. करने के बाद राइट साइड पर इसको क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है. फिर भी फट रहा है वो इमेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूम कर लिया. तो कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है एंड उसके बाद आपका फुटेज रेडी. और उसके बाद आप क्लिक कीजिए एंड उसके बाद देखिए आपका जो है इफेक्ट रेडी हो चुका है. एंड ये स्टेबलाइजेशन स्टेबल नहीं लग रहा है तो आप स्टेबल भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके एंड स्टेबलाइजेशन पर क्लिक करके स्टेबल कर सकते हैं इसको, वीडियो को. एंड स्टेबलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं फुटेज कितना मज़ेदार आने वाला है. देखिए, रुकिए, एंड हो गया. एंड ये देखिए एंड ये एकदम मज़ेदार, एकदम पूरा डॉली जूम इफेक्ट ऐड हो चुका है. बस सिंपल से वीडियो है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो और चैनल पर मिलना बहुत मुश्किल है. इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देना कोई दे नहीं सकता. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का क्लिक कर दीजिए, ठीक है. तो आप अभी फुल वीडियो का मज़ा लीजिए.